The Perseverant IAS. चलिए स्वागत है आपका Perseverant IAS के करंट अफेयर के सेशन में, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल है क्योंकि इसको GS के साथ लिंक करके बताया जाता है। 23 नवंबर से ये आपको कंटिन्यू है। इसमें देखिए जो भी आपके आने वाले एग्जाम हैं BPSC TRE बहुत ज़्यादा इसके लिए फ्रूटफुल है। आपके JPSC के लिए ये फ्रूटफुल है, इसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक, पर्सन इन न्यूज़, सब चीज़ को जो है कवर किया जाता है इसमें। समित को जैसे कि अभी रिसेंट में COP28 से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो ये UAE में हुआ था, इसको कवर किया गया है अच्छे से। इसके साथ ही 27th वाला कहाँ हुआ था, शर्म अल शेख इजिप्ट में, इसे भी कवर किया गया है। इस तरह से नेशनल, इकोनॉमी, इंटरनेशनल सारे न्यूज़ को, पर्सन इन न्यूज़ को कवर किया जाता है और ये बताया जाता है कि इससे क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कराई गई है। आपसे निवेदन है कि अपने एग्ज़ाम को अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से अटेम्प्ट करें तो इस सेक्शन को जो 23rd of November से ये दिया गया है, आप अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए ज़रूर देखिएगा, यहाँ से आपको बेनिफिट नो डाउट होगा। चलिए देखिए, पहला है कि द प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड। अमूल जो है इसको आप जान रहे होंगे, डेली यूज में आप इसके मिल्क को, इसके फ्रूट, ये जूस को इस्तेमाल करते होंगे और इसके तरह तरह की जो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG प्रोडक्ट्स बनाती है ये खाने पीने के लिए, तो आप जो है इसको कंज्यूम ज़रूर किया होगा इसके प्रोडक्ट्स को, लेकिन आप इसके फुल फॉर्म को नहीं जानते होंगे। रन किसके थ्रू हो रहा है ये नहीं जान रहे होंगे। अभी ये न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। ये याद रखिएगा कि अमूल को रन करने वाली कंपनी कौन है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, और इसी को जो है, इसी का जो है अभी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, पार्टिसिपेट किया था, इसलिए ये न्यूज में है। तो आपको इसके बारे में अब जानना जरूरी है क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। और इसके बाद अमूल का पूरा नाम क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये भी आप नोट में रखिएगा आपने। और इस्टेब्लिश कब ये हुई थी, 1946 में। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट जानकारी है उसको देखते हैं। इट वॉज फाउंडेड बाई भावना दास किशीबाई पटेल, इनके द्वारा जो है ये फॉर्म हुआ था। ये आपके स्वतंत्रता सेनानी भी थे और इन्होंने ही इसको फाउंड किया था। फाउंडर एंड चेयरमैन कौन है आपके, श्री त्रिभावना दास पटेल, ये आपसे नाम इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनके साथ साथ ये जो थे पॉलिटिशियन थे और महात्मा गांधी से के फॉलोअर थे, इस गांधीवादी सिद्धांत के लीडर थे ये, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इनके साथ साथ दो बड़े लीडर, प्रोमिनेंट लीडर और थे, एक थे उसमें मोरारजी देसाई और दूसरे थे उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन तीनों लोगों के हेल्प से जो है ये आपको GCMMF बना था, ठीक है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, इनमें तीन लोगों का हाथ है ये आप ध्यान में रखिएगा। फाउंडर आपके सामने हैं और इनके अलावा दो नाम मोरारजी देसाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, अमूल स्प्रीडेड द वाइट रेवोल्यूशन स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मिल्क पाउडर मैन्युफैक्चरिंग। मिल्क पाउडर का कंसेप्ट जो है सबसे पहले किसने लाया है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है क्योंकि इसी के बाद जो है वाइट रिवॉल्यूशन इंडिया में 1955 के बाद ही देखा जाने लगा था, ठीक है। और जो भी इससे रिलेटेड जानकारी है आपको मिल चुकी है अभी तक, ये याद रखिए कि मिल्क पाउडर मैन्युफैक्चरिंग 1955 में 1955 से अमूल ने स्टार्ट किया था और इसी के बाद जो है वाइट रिवॉल्यूशन की नींव रखाई थी। और वाइट रिवॉल्यूशन में अभी आपको एक बात जानना ज़रूरी है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया जो है केवे नंबर पे है, पहले नंबर पे है, ये ध्यान में रखिएगा इंडिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे याद रखिएगा कौन है, USA। तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे नंबर पे है आपका पाकिस्तान, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है। चौथे नंबर तक आपको याद रखना ज़रूरी होता है PCS के एग्ज़ाम में, ठीक है, चौथे नंबर पे है आपका
चाइना, ठीक है, पहले पे इंडिया, दूसरे पे यूएसए, तीसरे पे पाकिस्तान, चौथे पे चाइना। और इसके बाद यहाँ से एक चीज आपको और याद रखना है, स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो साल 2014 से साल 2023 तक, यानी 9 सालों में पिछले आपके मिल्क प्रोडक्शन में 58% का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, तब जाके आप जो है नंबर वन पे चल रहे हैं। और बहुत ज्यादा गैप है इंडिया के मिल्क प्रोडक्शन में और इसके बाद यूएसए के मिल्क प्रोडक्शन में, बहुत बड़ा गैप है। इंडिया 230 मिलियन टन, ठीक है, जो है मिल्क का प्रोडक्शन करता है सालाना, जबकि यूएसए जो है इससे बहुत ज्यादा कम है, ये ध्यान में रखिएगा आप। और इसके बाद पाकिस्तान है और फिर आपको जो है चाइना है। एक चीज और ध्यान में रखना है आपको कि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का 24.65% जो है ग्लोबली मिल्क प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी जो यहाँ पे आपको बताया गया। आगे देखिए कि क्या है और इंपॉर्टेंट, डेयरी प्रोडक्ट में जो आप नंबर वन पर चल रहे हैं उसमें क्या क्या इनिशिएटिव चल रहा है इंडिया में, ये आपको ध्यान में रखना। और दूसरी सबसे जरूरी चीज कि 1 जून ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे एवरी ईयर, याद रखिएगा 1 जून डे, और डेट डेज से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। आपको मार्च से, आपको जनवरी, 1 जनवरी से लेके मार्च तक का क्लियर कराया हुआ है डेज एंड डेट, वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज, फरवरी के और उसके बाद मार्च के। तो 1 जून याद रखिएगा आप क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे, ठीक है। अब देखिए कि इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से जो है स्कीम भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, ये बहुत स्कीम है, स्कीम का नाम देके डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये किस डिपार्टमेंट से, किस फील्ड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले है सबसे बड़ा एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, AHIDF, ये आपसे सिर्फ ये लिख के भी पूछा जा सकता है कि ये किससे रिलेटेड है, 15,000 करोड़ का बजट है इसका। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, ये 2014 से चल रहा है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, पदा योजना, ये याद रखिएगा 2020 से 21 टू फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक, ये सब योजना के बारे में आपसे स्कीम, एक आपका करंट अफेयर का टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता है। तो सारे स्कीम आपके डेयरी सेक्टर से रिलेटेड सब का सब यहां पर आपको बता दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड टू लाइव स्टॉक फार्मर्स, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है, ये सब डेयरी सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। मिनिस्ट्री आपको बताना है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं। तो INS जतियू इन द लक्षद्वीप आइलैंड, देखिए INS जतियू एक आपको कमांड है जो कि आपके कोस्टल रीजन पर नजर रखने के लिए है। तो ये कहाँ प्लेस किया गया है INS जतियू, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये लक्षद्वीप आइलैंड में प्लेस किया गया है, ये है आपका INS जतियू, ठीक है, जतियू। आपसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि INS जतियू कहाँ प्लेस किया गया है, तो ये है लक्षद्वीप आइलैंड में प्लेस किया गया है। लक्षद्वीप आइलैंड को आप जान लीजिए थोड़ा सा, लक्षद्वीप अभी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, तो इससे आपको किसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इंडिया स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है आपका लक्षद्वीप, टोटल एरिया कितना है इसका, 32 किलोमीटर स्क्वायर में ये जो है आपका फैला हुआ है। मात्र 12 आइलैंड पे जो है यहाँ पर हैबिटेट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। यहीं जो है आपका INS जतियू को प्लेस किया गया है, 220 किलोमीटर है, देखिए टोटल 36 आइलैंड यहाँ दिखाया जा रहा है, इसमें से 12 पे जो है हैबिटेट है, ये आप जान या ध्यान में रखिएगा अपने। और टोटल 36 आइलैंड है, लोकेटेड इन 220 किलोमीटर एंड 440 किलोमीटर फ्रॉम कोची केरल, ठीक है। 8 डिग्री चैनल सेपरेट इंडिया मिनिकॉय आइलैंड फ्रॉम मालदीव्स, ठीक है। उसके बाद आपको 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, मिनिकॉय फ्रॉम लक्षद्वीप। तो यानी पहले आपको मालदीव्स, फिर मिनिकॉय, फिर आपको लक्षद्वीप, 8 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल, ये आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है बार बार, यहाँ से क्वेश्चन लोकेशन बेस्ड बनता है ज्योग्राफी में, तो आपको ध्यान में रखना है ये सारी चीज़ें, इससे क्वेश्चन आपका हो सकता है। अब ये चीज़ देख लीजिए कि आपको जो कमांड अभी दिया गया है, टोटल ये कितने कमांड है इंडिया में, वेस्टर्न नेवल कमांड 3, ईस्टर्न नेवल कमांड और साउदर्न नेवल कमांड 3 है। सबसे 1963 में आपको वेस्टर्न नेवल कमांड, ये मुंबई है हेडक्वार्टर, ये ध्यान में रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई में है। ईस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय 1971 में बनाइए और विशाखापट्टनम में है।
साउदर्न नेवल कमांड का मुख्यालय कोची में है और ये सबसे पुराना नेवल कमांड है आपका, जो कि 1951 में बना। ठीक है, रीजन याद रखिए कौन कौन सा एरिया है ये आपको। साउदर्न नेवल कमांड, आपके लोकेशन याद आ जाना चाहिए कि इंडियन ओशियन होगा ये, और कोस्टल लाइन केरला, कर्नाटका, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड को ये कवर करता है। ईस्टर्न नेवल कमांड में आपको बे ऑफ बंगाल हो गया, और एरिया कौन कौन सा कवर होगा आपका, कौन सा कोस्टल लाइन कवर होगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये लोकेशन याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेस्टर्न नेवल कमांड जो 1963 में बना, ये ध्यान में रखिएगा। इससे पहले आपका साउदर्न नेवल कमांड बना है 1951 में, और सबसे लास्ट में 1971 में आपका ईस्टर्न नेवल कमांड बना है, जो कि एरिया आपको बता दिया गया उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जबकि वेस्टर्न नेवल कमांड आपका अरेबियन सी, कोस्टल लाइन गुजरात, महाराष्ट्र इंक्लूडिंग गोवा, लक्षद्वीप, मिनिकॉय आइलैंड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन था, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आपसे बन सकता है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, किसी का भी मुख्यालय पूछा जा सकता है, किसी भी नेवल कमांड का जो है एस्टैब्लिश ईयर पूछा जा सकता है, और किसी का भी लोकेशन की कौन कौन से स्टेट और यूटी को कवर करते हैं पूछा जा सकता है। अब आप वन लीनियर क्वेश्चन जो है उम्मीद ना रखें कि बीपीएससी आपको वन लीनियर क्वेश्चन पूछेगा, अब सब इस तरह से स्टेटमेंट बनाया जाएगा, लोकेशन बेस्ड स्टेटमेंट होगा। अगर आप एग्जाम कवर देखिएगा प्रीवियस ईयर, तो आपको पता चलेगा। इसके साथ ही आपको याद रखना होगा कि तीनों जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है आपको, जनरल मनोज पांडे। ठीक है, ये याद रखिएगा, इनके बारे में पूछा जा सकता है। चीफ ऑफ नेवी स्टाफ कौन है आपके, नेवी स्टाफ है आपके आर हरि कुमार। ठीक है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद चीफ ऑफ आर्मी हो गया, नेवी हो गया और एयरफोर्स, ठीक है, ये कौन है आपके, चौधरी, विवेक राम चौधरी। इन तीनों के बारे में आपको याद रखना है, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे नेक्स्ट देखिए, चक्षु एंड द डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, ये जो है किसके थ्रू लॉन्च किया गया है, चक्षु, ये आपको लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। किस लिए पोर्टल ये लॉन्च किया गया है, इस पोर्टल का नाम याद रखिएगा, संचार साथी पोर्टल, क्राइम को रोकने के लिए, डिजिटल स्पैम जो हो रहा है आपको, फ्रॉड जो हो रहा है, फ्रॉड कॉल्स के जरिए जो है आपके साथ डिजिटली साइबर क्राइम हो रहा है, इसको रोकने के लिए चक्षु लॉन्च किया गया है। किसके सुपरविजन में, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, 1997 में बनी थी ये बॉडी, इसका ईयर याद रखिएगा आप। इसके बाद एक TDSAT यानी टेलीकॉम्युनिकेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एप्लीएट ट्राइब्यूनल, ये एक ट्राइब्यूनल है जो टेलीकॉम डिस्प्यूट को देखता है, समझता है, और उस पर ऑपरेटर और गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसका निपटारा किसके थ्रू होता है, ट्राइब्यूनल। आपको पहले भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि ये क्या है, किसके थ्रू बना है ये ट्राइब्यूनल, आपको 2000 में बना है, ये आप याद रखिएगा। और ट्राई कौन है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिस तरह से बैंकिंग के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी है RBI, उसी तरह से टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए रेगुलेटरी बॉडी है आपकी ट्राई, जो कि 1997 में बनी थी। और ये चक्षु याद रखिएगा आपकी डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, जो कि कॉम्बैक्ट करने के लिए है, किससे, स्पैम और फ्रॉड कॉल से, जिसके जरिए आपके साथ साइबर क्राइम होता है। ठीक है, अब देखिए, अमेंडमेंट टू इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020, ये इलेक्ट्रिसिटी रूल आया है नया, इसमें प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में ये आया है, अमेंडमेंट हुआ है। ये देखिए कि आपको जितना भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड स्कीम है साल 2023 और उससे पहले का सारा जो है यहाँ पर आपको बता दिया गया है, इसके बारे में आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसमें अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना, क्योंकि ये योजना अपना टारगेट जो है अचीव करने से चूक गया है। साल 2024 तक इसको लाना था आपको 50 गीगावाट, किसके थ्रू, सोलर के थ्रू, ठीक है, जनरेट करना था, जो कि ये नहीं कर पाया है। अब इसका डेडलाइन जो है आगे बढ़ा है 2026 के लिए, ठीक है, ये साल 2018 में आया था, ठीक है, और इसका टारगेट था साल 2024 तक आपको कितना सोलर से कितना बिजली पैदा करना था, 50 गीगावाट, जो कि अभी टोटल हुआ कितना है, 11 गीगावाट, ठीक है, जो कि ये टारगेट से बहुत पीछे रह गया है, तो इसके टारगेट को बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना है ये,
साल 2026 तक अब टारगेट है कि आपको 50 गीगावाट सूरज की रोशनी से सोलर सिस्टम से बिजली पैदा करना है, ठीक है। इसके साथ साथ ये जान लीजिए कि इंडिया एनर्जी डिमांड में कहां पर है, अभी कहां पहुंच चुका है, ये देखिए यहां पे इम्पॉर्टेंट डेटा है जो है, इसको आपको ध्यान में रखना। और पिछली बात ये याद रखना आपको कि ये जो स्कीम आपने पढ़ा था, चक्षु डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस किया है इसको, और ये है कौन, अभी किनके अंदर ये मिनिस्ट्री है, तो रेलवे मिनिस्टर जो है आपके, वही जो है टेलीकॉम मिनिस्टर भी हैं, अश्वनी वैष्णव, ये ध्यान में आपको रखना है। मिनिस्ट्री से क्वेश्चन आपके हो सकता है। आप देखिए इस एनर्जी डिमांड में इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू एक्सपीरियंस द हाईएस्ट एनर्जी डिमांड ग्रोथ ग्लोबली ओवर द नेक्स्ट थ्री, अगले 30 सालों में सबसे ज्यादा एनर्जी डिमांड करने वाला कौन सा देश हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू किसके थ्रू ये बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के रिपोर्ट के थ्रू। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि 1974 में बनी थी, ठीक है, फ्रांस बेस ये एजेंसी है, ये ध्यान में रखिएगा, हेडक्वार्टर इसका फ्रांस में है, ठीक है। और ये 1974 में बनी थी, जो कि एनर्जी पर रिसर्च, एनर्जी पर काम करती है, ग्लोबली मॉनिटर करती है। डिस्पाइट एन इंक्रीज इन कोल प्रोडक्शन, इंडिया कमिटेड टू अचीव 500 गीगावाट किसके थ्रू, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, ठीक है। 500 गीगावाट जो है आपको रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करना है, किसका टारगेट है ये, इंडिया का। तो आपसे क्वेश्चन यहां से इस एक लाइन से बन सकता है कि 500 गीगावाट का इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट ईयर क्या है, तो आपको याद रखना है कि आपका टारगेट ईयर इंडिया का 2030 है, ठीक है। और अगर यही टारगेट आपसे पूछा जाए कि सोलर एनर्जी के थ्रू कितना जो है टारगेट है, तो 50 गीगावाट कब तक के लिए, 2026 के लिए। और योजना का नाम क्या था, तो पिछले स्लाइड में आपको बताया, प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना, ठीक है। तो ये था आपके लिए आज का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, जिससे आपको स्टैटिक के साथ लिंक करके बताया गया, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें क्या है, ऑल्सो द कंट्री फॉर 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स बाय 2030, हैविंग ऑलरेडी 43% विथ रिन्यूएबल कंट्रीब्यूटिंग 30% टू द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ठीक है। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी में हम अभी यहाँ पहुँच चुके हैं कि 30% जो है हम रिन्यूएबल के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रैपिड ग्रोथ इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी स्पेशली सोलर एनर्जी, सबसे ज़्यादा जो है रैपिड ग्रोथ में कौन है, सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी किसके जरिए इंडिया में हो रहा है, तो वो है आपका सोलर एनर्जी, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। सर्जिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, ये था आपका सारा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, जिससे आपका क्वेश्चन बनेगा और इसको आपको जानना है। यहाँ से आपके लिए मेंस का भी बहुत सारा टॉपिक निकल सकता है इस तरह के करंट अफेयर से, तो आपको ध्यान में रखना है। तब तक प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और नोट्स इसका खुद से तैयार करते रहिए। तो नंबर भी दिया हुआ है, अगर आपको PDF चाहिए तो उस नंबर पर मैसेज कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए।